ड्यूटीज हस्बैंड्स की हों या फिर वाइफ्स, हम में से कोई भी स्कूल या कॉलेज से नहीं सीखता, प्रोफेशनली नहीं सिखाया जाता और ना ही हमारी फैमिली में कोई स्पेशली बिठा कर पढ़ाता है। हम एक्चुअली मूवीज देखते हैं और उसी अनरियलिस्टिक कपल बिहेवियर को आइडियलाइज करना शुरू हो जाते हैं। रियल लाइफ से रियल लाइफ को छोड़कर इस फैसिनेटिंग लाइफ को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में मोस्टली इम्पॉसिबल होता है। वाइफ्स की लास्ट वीडियोस में ड्यूटीज अच्छी तरह डिस्कस कर चुकी हूँ। आप सबने बहुत प्यार दिखाया और आपका बहुत शुक्रिया। और आज आपकी डिमांड पर हस्बैंड्स की कुछ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली जब आप शादी के बाद वाली ज़िंदगी में आते हो ना, तो वक्त के साथ साथ अप्स एंड डाउन्स, गलतियाँ, कोताहियाँ, बर्दाश्त, सब्र, जज्बात, ख्वाहिशात, समझना और समझाना, सब कुछ हमें बहुत कुछ सिखा देता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम आए दिन खुद को इस माहौल में एडजस्ट करने के गुर सीख रहे होते हैं ताकि एक बेटर लाइफ गुजार सकें। तो ड्यूटी हस्बैंड की भी होती है और इक्वली वाइफ की भी होती है। तो वाइफ की तो हम डिस्कस कर चुके हैं, चलें हस्बैंड्स की देखते हैं। नंबर वन पॉइंट है कम्युनिकेशन। आप नोटिस करेंगे कि कई झगड़े हमारे पार्टनर से इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं या अखज़ कर बैठते हैं असल हकीकत जाने बगैर खुद से ही कि ऐसा हुआ होगा। ये होगा का लफ्ज़ ना रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने में पहला स्टेप है। मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मेरी दोस्त के घर में दो गाड़ियाँ थीं, मेन गेट की चाबी एक ही थी, तो वो चाबी कहीं ना मिसप्लेस हो जाती है। इस दौरान गाड़ी इसके देवर ने लेकर जानी होती है, बट मेन गेट की कीज़ ना मिलने की वजह से एट अ टाइम वो लेकर नहीं जा पाया। तो मेरी दोस्त के हस्बैंड ने ये अज्यूम कर लिया कि चाबी मेरी दोस्त ने जानबूझकर कहीं छुपा दी ताकि उसका देवर गाड़ी ना निकाल सके। अब क्या हुआ जी, हस्बैंड ने बिना सोचे समझे घर आकर खूब लड़ाई की। तुम मेरे घर वालों के साथ ऐसे अंदाज में नफ़रत निकालती हो और तुम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करती वगैरह वगैरह। तो मतलब आप अपनी वाइफ से कुछ भी गलत अज्यूम किए बिना इनसे डायरेक्टली पूछ लें, और हाँ यकीन के साथ पूछें, यानी जहन में नेगेटिविटी लाने की बजाय पॉजिटिविटी लाकर फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लें तो बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। यकीन करें एक दूसरे के बारे में वहम और बदगुमानियाँ आपस में कम्युनिकेट और डिस्कस करके दूर हो जाती हैं। जो भी आप सोच रहे हैं ना वो उनसे पूछ लें, बात दिल में मत रखें, दूरियाँ बढ़ेंगी जो अगली लाइफ में बहुत तकलीफ दे हो जाएंगी। तो नंबर सेकंड पॉइंट है ट्रस्ट यानी भरोसा। आपके रिश्ते की बुनियाद और पहली सीढ़ी भरोसा। आप जब जब बीवी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, तब तब आपके रिश्ते की कमज़ोरी और खोखलापन जाहिर होना शुरू हो जाएगा। मतलब अपनी बीवी को एडवाइस करना के पलिए लो के एंज ना करया कर, एंज करते एंज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि कंट्रोल करना, मैं कहता हूँ तुम ऐसे नहीं कर सकती, ऐसे करने का सोच भी कैसे सकती हो वगैरह वगैरह, ऑर्डर करना, फोर्स करना। एक्चुअली क्या होता है कि आप कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं क्योंकि आपको लग रहा होता है कि बीवी को इस तरह करने से उसको आज़ादी मिल जाएगी, तो उसके ऊपर अपना ना हम पूरा कंट्रोल रखें। तो उससे क्या होता है कि बीवी की लिबर्टी जो है, आज़ादी जो है, वो खो जाती है। बल्कि आप उसको इतनी आज़ादी दें उसकी सोच में, मैं आपको कह रही हूँ कि उसको अपनी बाउंड्रीज को खुद डिसाइड करने दें। उसको खुद से ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हस्बैंड को क्या, क्यों और किस हद तक अच्छा लगेगा। अपने बिहेवियर से इसमें अपने लिए खुद बाउंड्रीज सेट करने की एबिलिटी पैदा करने दें। ये बात तभी मुमकिन है जब आप उन पर, उनकी चॉइसेस पर, उनके डिसीजंस पर ट्रस्ट करते होंगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने रिश्ते और रिलेशनशिप पर ट्रस्ट करते होंगे। आप सुबह घर से निकलते हैं ना जॉब या बिजनेस वगैरह के लिए, सारा दिन उसी बीवी ने घर को, बच्चों को, फैमिली को, मिलने मिलाने वालों को, सबको मैनेज करना होता है। सो उसको अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाने दें, और ये आपका ट्रस्ट लेवल ही है जो ये सब डिसाइड करेगा कि ये सारे काम बीवी अच्छे से मैनेज कर पाएगी। वरना तो ना आप अपनी जॉब और कारोबार प्रॉपरली कर सकेंगे और ना ही घर के सारे सिस्टम को मैनेज कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट इज रिस्पेक्ट। सारे हस्बैंड्स की ऑलमोस्ट ख्वाहिश यही होती है कि उनकी बीवियाँ अच्छी हैबिट्स की मालिक हों, वो अच्छे से हर काम को मैनेज करें, घर, बच्चे, फैमिली और साथ साथ खुद की पर्सनैलिटी पर भी अच्छे से फोकस्ड हों। तो उनकी गलतियाँ जज किए बिना, ताने और तंज किए बिना, तनकीद और क्रिटिसाइज ना करते हुए उनको रिगार्ड दें, उनकी इज्जत करें।
हस्बैंड्स का अपर हैंड है ये तो हमारे दीन ने डिसाइड कर ही दिया है, लेकिन अगर आप अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये पहलू खोलकर देखेंगे ना, तो अंदाज़ा होगा कि वो अपनी बीवियों को कितना रिगार्ड और इज़्ज़त देते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला आपकी प्यारी और लाडली बीवी थी, उनके रेफरेंसेस को खोल कर पढ़ें ना कि किस तरह वो उनसे प्यार और इज़्ज़त से पेश आते थे। उम्र में बहुत छोटी थी वो, और दूसरी तरफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी, उनसे मोहब्बत और इज़्ज़त का जो दर्जा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट किया ना, वो ही आप अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बीवी कम खाकर हल्का फुल्का पहनकर हंसी खुशी गुजारा कर लेगी, लेकिन बेइज्जती, बेकदरी, डीवैल्यूएशन, ताना तंज उसकी पर्सनालिटी को कितनी बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो ढीठ बनकर अपने वालदैन की इज्जत समझकर बच्चों की माँ होने की वजह से या फिर आपसे कुदरती मोहब्बत होने की वजह से आपको छोड़कर तो नहीं जाएगी, लेकिन एक पुसीदा सी इमारत बनकर रह जाएगी। जब बीवी अपना दिल छोड़ जाती है ना, तो ट्रस्ट मी, आपके घर का एक भी सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। किसी को अच्छा बनाने के लिए उनकी बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं होती, और वो भी थर्ड पर्सन के सामने। मोस्टली मैंने देखा है कि हस्बैंड अपने घर वालों और इवन बच्चों के सामने बीवी को डीग्रेड कर देते हैं, जो कि बीवी की पर्सनैलिटी को तबाह बर्बाद कर देता है और उसमें मेजर रोल प्ले करता है। अगर कोई इख्तलाफात हैं तो पहले दिन से आपको जो अलग कमरा मिला है वो किस मर्ज की दवा है? बंद कमरे में भी तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझा सकते हैं ना, चाहे ऊंचा बोलकर भी समझा लें आप हस्बैंड एट अ टाइम, नो प्रॉब्लम। ना कि घर वालों के सामने खुद को मर्द प्रूव करें, और बच्चों की पर्सनैलिटी पर जो असर पड़ता है आज नहीं तो बड़े होकर। कभी आपने अंदाज़ा किया है आप इन सब चीज़ों का बच्चों के नाजुक जहन पर, उनकी सोच पर किस जगह पर वो पहुंच जाते हैं? वो बड़े होकर जब वही बच्चे ज़िद्दी, हट धर्म, ला ताल्लुक, बेजार और ज़माने की बुराइयों में घिर जाते हैं ना, तो असल वजह उसकी कहीं ना कहीं आप खुद ही बने होते हैं। सो बीवी को रिगार्ड दें, रिस्पेक्ट दें और इज्जत करें। नंबर 4 पॉइंट इज लिसन टू देम। ज़रूरी नहीं कि बीवी के हर वक्त आपके समझाने बुझाने की ही ज़रूरत रहती है, कभी कभी वो भी दिल में हज़ारों बातें लिए होती है जिनको वो अपने ट्रू पार्टनर के साथ डिस्कस करना चाह रही होती है, बताना चाह रही होती है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो अपने बाकी सगे रिलेशन से भी नहीं कर पाती। यू नो वॉट, हस्बैंड को एक ट्रू सोलमेट कहा गया है। वो क्यों कहा गया है? इसीलिए कि बीवी आपसे अपने दिल की हर बात शेयर कर सके। हस्बैंड वाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए कि बिना एक दूसरे के कहे बताए एक दूसरे की बात दिल से समझ ली जाए। अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है कि मेरे हस्बैंड कोई बात करते हैं ना कि घर का काम या कोई चीज़ को लेकर, कोई नॉर्मल सी, कोई किचन की कोई चीज़ लेकर वो मेरे साथ कोई बात करते हैं, तो वही बात एट अ टाइम मेरे मुँह से भी निकल जाती है। तो एक कोइंसिडेंस आप कह लें, इत्तफाक कह लें, कि वही बात एट अ टाइम मेरे मुंह से जब निकलती है ना, तो वो मेरी तरफ देखकर हंसते हैं कि अभी तो बात ये मेरे दिल में आई थी। तो ये एक कम्युनिकेशन होना चाहिए इस तरह का कि आपके दिल की बात अगले पार्टनर के दिल की बात से बिल्कुल मैच कर रही हो। अगर आप टीवी देख रहे हैं ना, तो उसका रिमोट पकड़ कर बैठे हुए हैं, तो बीवी आपसे बात करना चाह रही है, तो उसको ऑफ कर दें। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो बंद कर दें। मतलब आप अपना ज़रूरी काम थोड़ी देर के लिए साइड पर रख करना, पूरी मतलब और पूरी तवज्जो के साथ बीवी की बात सुने और अच्छे अल्फाज यूज़ करें। हाँ, अच्छा, गुड, वेरी गुड, ओह, ओके, ऐसे वर्ड्स यूज़ करें। खामोशी से सिर्फ सुनते ही ना जाएं, पूरे उसमें इन्वॉल्व होकर उसकी बात को सुने कि जैसे आप बिल्कुल अच्छे से सुन रहे हैं, और उसके मुताबिक उसको रिएक्ट भी करें। यकीन करें, आपकी बीवी को बहुत अच्छा लगेगा, उसकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। घर वापस आते हुए उसके लिए अपनी जेब के मुताबिक कोई गिफ्ट ले जाएं। मैं डेली की बात नहीं कर रही, मतलब चलें वीक में या फिर मंथ में एक दफ़ा। अगर कुछ भी नहीं है ना, तो रास्ते में आते हुए गार्डन से कोई अच्छा सा फूल तोड़ कर ले जाएं। हम बीवियों की तो ख्वाहिशात होती छोटी छोटी सी हैं। अगर आप फाइनेंशियली अपने इतने स्ट्रांग नहीं हैं ना, लेकिन अपने बीवी बच्चों को एक अच्छी पुरसकून लाइफ देने के ख्वाहिशमंद ज़रूर हैं, तो यकीन करें ये छोटे छोटे से टोकन, ये लव, केयर, रिस्पेक्ट, सिंसेरिटी, गिफ्ट्स, टाइम पर घर आना, ये सब बहुत बड़ी लग्जरीज़ हैं।
और ये जो गाड़ी, घर, लाइफस्टाइल, पैसा, इससे कहीं बढ़ के ये हैं पॉइंट्स जो कि एक बीवी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर रहे होते हैं। एज अ वाइफ मेरे लिए तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए भी ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बाकी सब चीज़ों से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट टेक हर फॉर ग्रांटेड। बीवी के साथ जो भी जैसा भी कर लो, अच्छा या बुरा, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब शी इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब है कि आप हमेशा जो भी करें, गुस्सा करें, तंज करें, बुरा सलूक करें, गर्मी आ गई, लॉन के सूट ना लेकर दें तो चलेगा। अपनी मसरूफियात की वजह से इसके भाई की शादी में ठीक तरह से शरीक नहीं हुए तो कोई बात नहीं। अपने बॉस या फिर इसके अपने किसी बिजनेस डील में प्रॉब्लम की वजह से गुस्से से भरे आप घर आकर बीवी पर भड़ास निकाल दें और सोचें कि सुनना तो उसका फ़र्ज है, उसको तो बर्दाश्त करना ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बीवी एक जीता जागता इंसान और दिल और दिमाग की मालिक है। उसकी भी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं जिनको देखना आपका काम है। उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। बीवी ने डिमांड सिर्फ आपसे ही करनी है। इनफैक्ट माँ बाप का घर छोड़कर आपके घर तो बीवी आई है ना, आप तो नहीं गए। आपके सारे सगे रिश्ते आपके साथ आपकी नज़रों के सामने होते हैं। एक माहौल से दूसरे माहौल में आना, पहले बाप से मांगती थी, अब आपसे ही मांगना है। बल्कि बच्चे पैदा करके पालती भी है बीवी, और जब बड़े हो जाते हैं तो इस हमें दावे के साथ अपने कमाऊ बेटे से भी बीवी नहीं मांग सकती जो अपने हस्बैंड से मांग सकती है। तो पूरी की पूरी आप पर डिपेंडेंट हो जाती है। मेरा ख्याल है वर्किंग लेडी भी जो लेडीज़ होती हैं ना, वो भी 90% लेडीज़ माँ बाप के घर से जब या बाद में आकर जब जॉब करती हैं तो घर को ही मैनेज करने के लिए, हस्बैंड का हाथ बटाने के लिए ही जॉब कर रही होती हैं। सो अगर वो आप पर डिपेंडेंट है ना, ये फैसले अल्लाह ताला के हैं, किसी इंसान के नहीं, तो ये बात आप भी समझें और समझते हुए बीवी की ज़ात को फॉर ग्रांटेड ना लें और जहाँ जैसे जितनी इसकी ज़रूरत है उसका ख्याल रखें। मेरी हाउस हेल्प के हस्बैंड ने इसको एक दिन ना 300 का जैज का लोड करवा दिया, तो वो मैसेज पढ़वाने मुझे आई कि ये बाजी देखें ये क्या है। तो मैंने उसको बताया कि इस तरह ये तुम इस नंबर से तुम्हारे नंबर पर 300 आया है। तो आप यकीन करें उसके चेहरे से लग रहा था जैसे उसको किसी ने कोई महल खरीद के दे दिया हो। तो बीवी की ख्वाहिशात छोटी छोटी होती हैं जिनको खुश करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उन ख्वाहिशात की कदर करें, इग्नोर ना करें और फॉर ग्रांटेड ना लें। लास्ट में इन सब बातों का निचोड़ एक ही बात कहकर निकालूंगी, वो सब के मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि कलमे पढ़कर आप जिस बीवी को लाते हैं ना, वो पूरे तन मन धन से आपकी होकर आती है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर। लव तो वो आपसे करती ही है, तभी तो आपके बच्चे पैदा करती है, लेकिन इसके साथ अपने हुस्ले सलूक से कुछ ऐसा करें कि वो बारात के दिन से लेकर मौत आने तक आपको लाइक भी करती रहे। लव और लाइक दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, इनका मतलब अलग है। लव हम इंसान की ज़ात से करते हैं जो खावंद की सूरत में कलम से किए गए सिग्नेचर से बीवी के दिल में उतर जाता है। लाइक हम इंसान की नेचर को करते हैं, इसकी आदतों को, इसके बिहेवियर को। लेट्स से हम कहते हैं ना कि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत ज़बरदस्त इंसान है, तो हम इनको लाइक करते हैं। इनकी सोच, इनके अंदाज़े बयां, उनकी नॉलेज, बीइंग अ मुस्लिम, उनका स्टाइल, उनका अंदाज़। लेकिन लव हम इस इंसान को करते हैं जिनके बच्चों की हम माँ कहलाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश यही थी कि हस्बैंड और वाइफ के दोनों को अपनी अपनी जगह इनके राइट्स और ड्यूटीज से अवेयर कर सकूं विद बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। बाकी अगर किसी लिहाज से कोई कमी कोताही हो तो एक्सेप्ट माय अपोलॉजी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।